अरविंद केजरीवाल का वड्डा दावा, कहा पीएम मोदी का मिशन है वन नेशन वन लीडर। ये दो महीने च खत्म कर देंगे योगी आदित्यनाथ की राजनीति। अगले साल रिटायर होके मोदी अमित शाह नूं बनाउणगे पीएम। हमीरपुर च केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वड्डा रोड शो, विजय संकल्प रैली जरिए किया शक्ति प्रदर्शन, रैली कर डोंगियां ते साधे तिखे निशान। सरकारी कोठी विवाद विचाले रवनीत बिट्टू ने बीजेपी दफ्तर च बिताई पूरी रात, बोले जद्दी जमीन गिरवी रख के निगम नूं 2 करोड़ रुपए का कर चुकया हां भुगतान, कहा हुण सरकार की मर्जी किसे नूं भी देवे कोठी। ਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ दुनिया नूं क्या अलविदा, लुधियाणा च लई आखरी सा। सुरजीत पात्र दे देहांत नाल पंजाबी साहित जगत च सोग दी लहर, उगे साहित्यकारां ते सियासतदानां ने जताया दुख, सीएम मान बोले पंजाबी मां बोली दा वेड़ा होया सुन। मोहाली च 24 साल दे नौजवान दा बेरहमी नाल कतल, वारदात तो बाद मृतक दी लाश नूं हस्पताल छड़ के फरार होए दो मुलजम, पुलिस ने दर्ज कीता मामला। सत श्री अकाल, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला रुख करते हैं हमीरपुर का, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वालों शक्ति प्रदर्शन किया गया। अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा कढ़ी है हमीरपुर के, अनुराग ने हिमाचल की सुखू सरकार से निशाने साधे ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 लाख नौकरी का वादा किया, हमीरपुर तो बीजेपी ने अनुराग ठाकुर लोक सभा उम्मीदवार बनाया है और अज उन्होंने वालों विजय संकल्प रैली हमीरपुर दे विच कड़ी गई और सत्ताधारी पार्टी हिमाचल दी कांग्रेस पार्टी ते तिखे निशाने साधे गए। आप वहां से बोटा चौंग से पीछे हथली पुल से चले हो पैदल ही, इन्होंने कहा था कांग्रेस ने आपको 5 लाख नौकरियां देंगे, मिली क्या? ओ मिली क्या? सोदान जी, इन्होंने 2003 में कहा था कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने तब भी नहीं दी। इन्होंने 2007 में हमारी सरकार गिराने के लिए कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने तब भी नहीं दिया, फॉर्म ही भरवाए। इस बार कहा 5 लाख नौकरियां देंगे, वो भी नहीं दी। अब भाई छल्ली है पहले, अब बहनों के दूसरी बार फॉर्म भरवा रहे हैं, भरवा रहे नहीं भरवा रहे? मेरी बहनों, 2 रुपए किलो गोबर 100 रुपए लीटर दूध खरीद लिया क्या? अरे किसान भाइयों, खरीदा क्या? ओ ठाकुर साहब, खरीदा के नहीं खरीदा? ओ बिलासपुर वाले दसो, खरीदया नहीं खरीदया? ओ ऊना वाले दसो, खरीदया नहीं खरीदया? ओ मीरपुर वाले हो, ओ धर्मपुर वाले हो, ओ देरा वाले हो, ओ जसवा बरागपुर, ओ तो कित्या क्या? ओ कित्या क्या? ओ कित्या क्या? तब वोटा कुछ देनी भाई बिंदल जी और जयराम जी, जहां जहां से निकला वहां वहां लोगों ने हजूम, 92 साल के लोग, 97 साल के लोग 3-3 घंटे से बेचारे इंतजार कर रहे थे केवल एक पलक देखने के लिए और सिर पर एक बार मेरे हाथ रखने के लिए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं वो दिन क्यों नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने कष्ट सहा, उन्होंने कष्ट सहा और मुझे आशीर्वाद देने आए थे। अगर मेरे 20 वर्ष की कोई कमाई है तो मेरे सामने ये है, मेरी यहां की जनता और इनका प्यार है। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र शायद एक ऐसा इलाका है जहां के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की पीठ नहीं लगने दी। जब जब चुनाव आया आपने कमल का फूल खिलाया,
जब जब चुनाव आया अपने घर घर जाकर प्रचार किया। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई इस पोलिंग बूथ पर जाओ, उस पर जाओ। आपने यही सोचा कि मैं ही अनुराग हूं, मुझे ही घर घर जाना है। और शायद आपकी यही प्रेरणा मेरे लिए थी कि जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना या फिर उसके बाद पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, मेरे पार्टी के नेता सदा यही कहते रहे, बुजुर्ग कहते थे, बेटा तुम्हें मौका मिला हिमाचल का नाम ऊंचा करने का, हमारे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने का, तुम वहां पे मेहनत करना, पोलिंग बूथ पर मैं डट जाऊंगा। और आपकी ये भावना कि मुझे देश भर में काम करने के लिए दिया, मोदी जी ने पूरे देश भर में भेजा, नड्डा जी ने स्टार प्रचारक बनाकर भेजा, मैंने देश में भी काम किया, प्रदेश में भी किया, लेकिन पोलिंग बूथ पर कमल खिलाने का काम आपने किया, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी यहां पर है, जिन्होंने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को संगठन के रूप में भी सींचा है, आगे बढ़ाया है, सरकार बनाई तब भी चौमुखी विकास किया है। इनसे पहले किसानों की फौज है, गरीब की फौज है, व्यापारी की फौज है। जदों जदों अकाली दल की सरकार बनती है, ऐ लगता है कि अपनी सरकार है। जदों जदों कांग्रेसी ते दूजे दिल्ली वाले आ जाते हैं, ऐ लगता है जिवें कोई अंग्रेजां की सरकार आई है, वो लुट्ट आउंदे है, इत्थे थोड़े घर घर सेवा करते हैं। मैं लगता है इस कठ विच मन लगता है हर दूजे बंदे दे घरे बादल साहब की फोटो होनी है, उन्होंने घरे आए भी थोड़े विच बहन दी। 70 साल सा प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल में सेवा की, 70 साल ता जाके मुख्यमंत्री बने। पिंड बादल के सरपंच, ब्लाक समिति मैंबर लड़े जिते, जिला परिषद मैंबर बने जिते, MLA बने, MP बने, सेंटर के सारिया पौड़ियां चढ़िया। आप एक बंदे चुटकले सुना सीधा बिठाता उत्ते मुख्यमंत्री, हूँ उत्थे कमरे च बैठे हसता हों कि देखो किन्ना ठगी मारी मैं लोगों की। अज कोई मुख्यमंत्री कहने लायक है? आप दस सकते कि साडा मुख्यमंत्री है? धूरी वाले आ गया सी, नवा नवा मुख्यमंत्री बनिया, आ जर्मनी गया, जर्मनी गया, थोनू पता है, सारे नू पता, धूरी वाले नू इनू दारू पीन की बड़ी आदत है, पता है कि नहीं है, मशहूर है। पहली गल तुसी दसो, इन्हें अपनी मां की सिर से हाथ रख के सौ खाती थी कि नहीं कि मैं दारू छूंगा? छत्ती है जी अपनी मां भी झूठी सौ खा सकता है, वो तो घटिया बंदा कोई हो सकता है। हूं मैं तुम्हें दसदा, मुख्यमंत्री बन गया, अगे पिछे पुलिस आ गई, उत्थे गया फ्रैंकफर्ट, उत्थे सैर सूर की, वापस हवाई जहाज चढ़ लग्या। उत्थे एक कमरा होंगे जिथे VIP जहाज चढ़ने तो पहले बिठा देंगे कि हले घंटा जहाज चढ़ना, 2 घंटे तुम आराम करो। उत्थे अंग्रेजी बोतल सारिया शराबा दियां पईयां सी, उत्थे कंध ते लगियां, वह मैनू जिहड़ा SP नाल गया सी दस रहा सी, ते जो बोतल दिखती है तो होश उड़ जाते हैं। तो इन्हें की किया कि बोतल लिया खोली, उत्थे कमरे च रख गया। हुण तुसीं किसे दूजे मुल्क चो उत्थे तुसीं शराबी हो गए, जो अपने मुल्क का मंत्री जांदा अपने मुल्क की इज्जत नाल लेके जांदा कि ऐ नहीं दिखाउंदे। हुण जदों उहनूं चक जहाज तां चलने वाला हो गया, ते अफसर ने
हुण गल करदे आ अरविंद केजरीवाल दी। अरविंद केजरीवाल वालों अज बीजेपी सरकार ते तिखे निशाने साधे गए। उन्हां कहा कि पीएम दा मिशन वन नेशन वन लीडर है और ए योगी दी राजनीति नूं खत्म कर देंगे। उन्हां कहा कि दो महीने च योगी दी राजनीति खत्म कर दित्ती जाएगी और मोदी रिटायर होके अमित शाह नूं प्रधानमंत्री बनाउणगे। इह गल अज अरविंद केजरीवाल वालों कही गई। उन्हां कहा कि पीएम साडी पार्टी नूं तोड़ना चाहुंदे ने। उन्हें कहा कि 4 जून तो बाद मोदी सरकार नहीं बन रही, बीजेपी 220 तक सीटा 220 तो 230 तक ही सीटा मिलनगियां। उन्हें कहा कि केंद्र दे विच इंडिया गठजोड़ की सरकार बन जा रही है और मैं तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन, बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4,000-5,000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4,000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है।
इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट, इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर, उन्हें पता। तो वीरो दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए हैं, आते ही कहां कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मेरे तो वैसे ईस्ट में और आज साउथ और ईस्ट में मेरे रोड शो थे, पहले से ही प्लान थे। अरविंद जी आ गए तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा वहां पे। तो आज ईस्ट और साउथ में जो रहने वाले हैं उनको मैसेज दे दो, आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैटिंग करने के लिए उसी पिच पे आ गए हैं। वो आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड हर्ट हुए थे, थोड़ी देर के लिए उनको बैटिंग से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन बल्ला भी वही है, पिच भी वही है, और सबसे बड़ी बात यह है छक्के और चौके भी वही है, ग्राउंड भी वही है। तो आज साउथ और ईस्ट में आते ही काम पे लग गए, ऐसा नेता देखा कोई? नहीं तो जेल से आके 10-10 दिन तो मिलते ही नहीं है कि जी मैं जेल से आया हूं, पता नहीं क्या कहते। नहीं छोड़ो जेल, मुझे मेरे लोग मिलाओ, मैं अपने लोगों से आंखें डालकर उनकी बात करना चाहता हूं, ऐसा नेता होना चाहिए। और पंजाब से खुशखबरी दे रहा हूं, 13 सीटें और 14वीं कुरुक्षेत्र है, वो भी पंजाब ही मान लो, बिल्कुल साथ में है। पंजाब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कल पंजाब से आया हूं, कल ही जाऊंगा, आपने फोटो वगैरह देखे होंगे टीवी पे, व्हाट्सएप पे। वीरो पंजाब से बीजेपी का और कांग्रेस का सुपड़ा उधर, तो क्योंकि हम वहां नहीं लड़ रहे, वहां हम अलग रहे हैं। 13 की 13 पंजाब में आम आदमी पार्टी को,